यूं तो प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं व पंचायत से जुड़ी विभिन्न पदों के उम्मीदवार भी अपनी जीत को लेकर प्रयत्न करते हैं, लेकिन जीत के बाद अपने पद का सदुपयोग कुछ ही जनप्रतिनिधि कर पाते हैं और उन्हीं में से एक है गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत कपिलो पंचायत के मुखिया मुकेश यादव, जिन्होंने अपने कार्य से अपने पंचायत ही नहीं बल्कि कई राज्यों के पंचायत वासियों का दिल जीत लिया है। इसी क्रम में चंडीगढ़ में भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत कपिलो पंचायत में धरातल पर संपूर्ण विकास पर बनी लघु फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल जनप्रतिनिधियों को दिखाया गया। पंजाब में आयोजित झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत के विकास पर बनी एक लघु फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मनरेगा और स्व सहायता समूह से जुड़कर उनकी आजीविका के क्षेत्र में भी इस पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जीवंत ग्राम सभा इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। पंचायत गठन के बाद हुई पहली ग्राम सभा में ही गांव के कच्चे रास्तों को पक्की सड़क में तब्दील करने का निर्णय लिया। हर ग्राम सभा में एक के बाद एक काम करने का संकल्प लिया गया और कपिलो गांव की तस्वीर ही बदल गई। जीवंत ग्राम सभा के लिए ये पंचायत राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार की श्रेणी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। कपिलो पंचायत में एक और कॉमन सर्विस सेंटर से ग्रामीणों को सारी सुविधा मिल रही है, तो वहीं यहां झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भी गांव में आजीविका की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। कपिलों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायत द्वारा तैयार किए गए आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शौचालय निर्माण करने पर यहां यूनिसेफ के हेड निकोलस इसवट भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं। कपिलो गांव एक मिसाल है कि कैसे सुशासन की राह पर चलकर गांव में विकास। सबसे पहले मैं पंचायती राज विभाग पंजाब सरकार के साथ साथ पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार और भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और यहां पर उपस्थित आप सभी जनप्रतिनिधियों का और सारे वरीय पदाधिकारियों का मैं झारखंड की ओर से सभी को नमस्कार, झारखंडी जोहार और साथ साथ तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा परिचय, मेरा नाम मुकेश यादव है और मैं झारखंड के गिरिडीह जिले के अंतर्गत बिरनी प्रखंड के ग्राम पंचायत कपिलो की मुखिया हूं और मैं कुछ चंद शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज से 8-10 साल पहले जो गांव मेरा ग्राम पंचायत कपिलो का जो हाल था वो बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा गांव है और अभी पिछले 5-6 सालों में ग्राम पंचायत कपिलो पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बनाया है। पहले की अपेक्षा अभी ग्राम पंचायत काफ़ी आत्मनिर्भर हुआ है और हम लोग का यह जो कार्यशाला है ग्राम पंचायतें कितना बेहतर कार्य किया है काम, उसके साथ साथ हम लोग को सीखना ये है कि कैसे हम और बेहतर कार्य करेंगे और इस कार्यशाला में आकर हमको काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देश के विभिन्न राज्य से आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कार्य किया गया है निश्चित रूप से सराहनीय है और यहाँ से बहुत कुछ हम सीख के भी जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि यह वर्कशॉप जो है कि ग्राम पंचायतों को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, तो जब तक हम गांव बेसिस पर हम जो बुनियादी ढांचा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बुनियादी सेवाओं को कैसे हम सरल माध्यम से अपने गांव में ग्रामीणों के बीच
हम उसको सेवा प्रदान कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब हम चाहेंगे कि हमारा जो ग्राम पंचायत है कपिलो, अभी का जो स्थिति है, सभी घरों में सुंदर स्वच्छ शौचालय बनाया गया है कि बहुत सारे हमारे राज्य से भी नए जनप्रतिनिधि आए हैं, अन्य राज्य से भी आए हैं। हम अपने बात को समाप्त करने के पहले दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि मुसीबतें इंसान को जीना सिखाती है, मुसीबतें इंसान को जीना सिखाती है, सपने के पर्दे आँखों से हटाती है, हिम्मत मत हार गिरकर वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, दाग देती है गर्दिशें, जिंदगी एहतराम करती है, अगर राही राह ना छोड़े तो मंजिलें झुके सलाम करती है, मंजिलें झुके सलाम करती है। सभी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद। पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार सहित, पंजाब सरकार सहित, पूरे भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सभी लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।